68 साल पहले एक गुजराती ने देश को अंग्रेजों से मुक्त किया था। अब 68 साल बाद एक गुजराती ने देश को कांग्रेस से मुक्त किया है। पहले वाला गुजरात नोटों पर छा गया, अभी वाला गुजराती वोटों पर छा गया। ऐ दोस्तों, खिड़कियां खोल के देखने दे मुझे, मेरे वतन की नई तस्वीर बन रही है। आज भारत फिर से आजाद हुआ, पहले इंग्लैंड की रानी से और आज इटली की नौकरानी से। जो पढ़ सके ना खुद किताब मांग रहे हैं, खुद रख ना पाए वो हिसाब मांग रहे हैं। जो कर सके ना 60 सालों में कोई विकास देश का, वो 4 सालों में जवाब मांग रहे हैं। आज अंधे गुलाम मांग रहे हैं, चोर लुटेरे इंसाफ मांग रहे हैं। जो लूट रहे देश को 60 सालों तक, सुना है आज वो 4 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। वर्षों बाद एक नेता को माँ गंगा की आरती करते देखा है, वरना अब तक एक परिवार की समाधियों पर फूल चढ़ाते देखा है। वर्षों बाद एक नेता को अपनी मातृभाषा में बोलते देखा है। जय श्री राम, आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। वरना अब तक रटी रटाई अंग्रेजी बोलते देखा है। अब तक एक परिवार की मूर्तियां बनते देखा है। वर्षों बाद एक नेता को संसद की माटी चूमते देखा है। वरना अब तक इटालियन सैंडल चाटते देखा है। वर्षों बाद एक नेता को देश के लिए रोते देखा है। मैं जानता हूँ मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूँ कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूँ 70 साल का अंदर मैं लूट रहा हूँ, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। वरना अब तक मेरे पति को मार दिया कहकर वोट की भीख मांगते देखा है। पाकिस्तान को घबराते देखा है, अमेरिका को झुकते देखा है। इतने वर्षों बाद भारत माँ को खुलकर मुस्कुराते देखा है। मैसेज में आगे लिखा है, आप सभी से निवेदन है कि इस मैसेज को पूरे भारत के हर एक नागरिक के फोन में पहुँचाना है, पहुँचाने में मेरी मदद करें।